अच्छा सर जिस दौर में हम चल रहे हैं और जितने तमाम इस वक्त वीडियोस देख रहे होंगे आ, उनका एक बेसिक क्वेश्चन होगा कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहाँ पर करें बिकॉज हर शख्स चाहता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी ऐसी जगह पर प्लेस किया जाए जहां पर उसकी इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ सेफ हो बल्कि रिटर्न भी अच्छे मिले तो वाई वी शुड इन्वेस्ट इन सबर्ब्स बिकॉज शहर में जो है प्रॉपर्टी खरीदना इट्स सेल्फ एक बहुत मुश्किल काम है महंगा का काम है और मुझे नहीं लगता कि अगर हम इस्लामाबाद की भी स्पेसिफिक बात करें तो इस्लामाबाद के अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी बची है जो कि आप रीजनेबल रेट पे खरीद सकते हैं तो जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं जो कि आई थिंक वन वे और दर कनेक्ट ही कर रहे हैं इस्लामाबाद से तो वहाँ पर इन्वेस्ट किया जाना ज़रूरी भी है और फायदेमंद भी है इस पर बात की जाए जी बिल्कुल मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स देता हूँ आपको अभी उससे क्लैरिटी हो जाएगी हम बात करते हैं जी टू की या टू की बात करते हैं हमारा उस वक्त जो है सबब जो था एफ या एफ को हम सबब कहते थे बिल्कुल जंगल होता था नया नया आबाद हो रहा था तो उस वक्त सेंटर ऑफ द सिटी हमारा एफ एट होता था जी एट होता था जी नाइन होता था ये सेंटर ऑफ द सिटी हुँ, था हुँ, तो हमारे अगर आप अगर उस वक्त की बात करें तो तीस लाख रुपए की बात करें तो हमें जी एट जी नाइन में एक छोटा घर जो आठ मरले छह मरले सात मरले का घर उस वक्त तीस लाख में मिल जाता था Amazing. अब हम अगर सबर्ब की बात करें तो एफ इलेवन जो सबर्ब था उस वक्त तो ये जी इलेवन जो के था, वहां पे तीस लाख रुपए में हमें एक कनाल का प्लॉट मिल जाता होता था घर तो थे ही नहीं वहाँ पे ऑब्वियसली वो उस वक्त जंगल था तो आपको टू में वो तीस लाख रुपए में वहां पर एक कनाल का प्लॉट मिलता था यहाँ पे तीस लाख रुपये में आपको एक छठ मरले का घर मिल जाता था आज के दिन दोनों की प्राइस को चेक करें आज एफ एलेवन का वही जो प्लॉट है जो कि उस वक़्त जो तीस लाख रुपए का था उसकी कीमत कम से कम चौदह पंद्रह लाख रुपए चौदह पंद्रह करोड़ रुपये हो, गी। हो गी। और जो तीस लाख रुपए का छः आठ मरले का घर जी नाइन के अंदर या जी एट में था उस वक्त उसकी प्राइस अगर आप देखें तो ब मुश्किल साढ़े पाँच से छः करोड़ हुई अब आप ये देखें 2000 में जिसने सेंटर ऑफ द सिटी में इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर जो है G9 में तो उसने 30 लाख रुपए खर्च किए तो वो 30 लाख ग्रो करके आज चले 6 करोड़ बन गए लेकिन जिसने F11 में वो जो कि सबर्ब था छः करोड़ इन्वेस्ट किए वो आज उसके पंद्रह करोड़ बन गए तो अब आप ये देखें कितना वो डिफरेंस कितना हुआ अच्छा, अच्छा, अच्छा मेरे ओवरसीज जो दोस्त हैं ना भाई वो बड़े पाकिस्तान से गिला शिकवा करते रहते हैं कि यार हमारा डॉलर जो है ना वो करेंसी आपकी डी वैल्यू होती है और हमें प्रॉपर्टी में बड़ा नुकसान होता है उन भाइयों को मैं कहता हूँ कि भाई दो में आप मुझे बताएं डॉलर की क्या वैल्यू थी दो में डॉलर था साठ रुपये का और आज डॉलर कितने का है तो डॉलर आज है दो सौ अस्सी का है हम ज्यादा ही कह देते हैं तो डॉलर ग्रो किया पांच गुना इन चौबीस सालों में अब आप वो जो जी नाइन वाला घर है वो कितने गुना बड़ा है वो तीस लाख से गया है छह करोड़ रुपये इसका मतलब वो बीस गुना बड़ा है अब आप एफ एलेवन वाले के ऊपर आ जाएं तो एफ एलेवन वाला अगर जो है वो तीस से ग्रो करके वो पंद्रह करोड़ पे तीस लाख से पंद्रह करोड़ पे गया तो ये कितना ग्रो कर गया ऑलमोस्ट पचास गुना बिल्कुल ऐसे डॉलर तो पांच गुना सबर्ब की इन्वेस्टमेंट पचास hmm. गुना और सेंटर ऑफ द सिटी की जो है, वो भी Bilkul, full, के हम उसको आधा खाली देखें आधा देखना चाहिए जा, जा, और इन्वेस्टमेंट करने की वजह और वहां से रिटर्न्स आने की शायद एक ये भी है कि जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज है वहां पर तो नया नहीं बनेगा उसको रेनोवेट ही किया जाएगा लेकिन जो नया डेवलप हो रहा है वो नए तर्ज में डेवलप होगा आपको देखिए सेंटर ऑफ द सिटी में भी नई बिल्डिंग्स बन रही हैं जैसे हमारे ब्लू एरिया में बन रही है के सामने है या F10 के कुछ नई बिल्डिंग्स आ रही हैं मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पे अब बिल्डिंग्स ऑलरेडी जो आज अगर प्राइस देखें किसी बिल्डिंग की, तो कोई पे की पर रही है तो हम एवरेज कहीं 55, 60, पे कर लेते हैं यहां पर जो बिल्डिंग्स है हर साल इन्फ्लेशन होती है तो ये बिल्डिंग सालाना पंद्रह परसेंट ग्रो करेंगी तो अब साठ हज़ार की अगर आज बिल्डिंग की प्राइस है एवरेज प्राइस तो वो ग्रो करके पंद्रह परसेंट ग्रो करेगी चार साल में पंद्रह 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 अगर आप कर दें तो वो तकरीबन आपकी क्या बढ़ जाएगी तकरीबन नाइन को से ग्रो करें नाइन फोर थर्टी सिक्स तो तकरीबन साठ हज़ार वाली कहीं नाइन्टी सिक्स पर चली जाएगी ऑन द अदर हैंड अगर हम सबर्भ की बात करें तो सबहब में आपको तकरीबन अठारह हजार बीस हज़ार पर स्क्र फिट पर मिल जाती है अब बीस हज़ार पर स्क्वा फिट वाली जो है अगर ये सेंटर ऑफ द सिटी कितना ग्रो करेगा साठ हजार से एक लाख पे करेगा एक थम रूल होता है कि हमेशा पूरी दुनिया में हर जगह पे एयरपोर्ट बाद में बनता है किसी भी शहर को देख लें शिकागो को देख लें सैन फ्रांसिस्को को देख लें न्यूयॉर्क को देख लें वाशिंगटन डी को देख लें लंडन को देख लें सबके एयरपोर्ट शहर से हटके बने हुए हैं बर्मिंगहम को देखें आप ब्रेडफोर्ड को देख लें सब शहरों में इसी तरह के अब इन जगहों पे क्या होता है कि एयरपोर्ट के पास जो शहर बनता है वो नया शहर बनता है जो नया शहर होता है और जो पुराना शहर होता है इसकी प्राइस में हमेशा फ़र्क होता है जो पुराना शहर में अगर सौ रुपया कीमत है बिल्डिंग की या उसी घर की या उसी डिज़ाइन की चीज़ की तो नए शहर में वो सत्तर रुपये की होगी पॉइंट के ऊपर होगी यानी नए पुराने शहर में महंगी है और नए में पॉइंट सेवन पे है अब अगर यही फार्मूला हम अभी इस्लामाबाद पे लगा दें इस्लामाबाद में जो नई बिल्डिंग्स अभी बन रही हैं साठ हज़ार के ऊपर पचपन हज़ार पे ये ग्रो करके कहीं एक लाख पर स्क्वायर फीट के ऊपर चल जाएंगी चार साल बाद अब इसका पॉइंट सेवन अगर करें तो इसका मतलब सत्तर हज़ार तो अगर सबब में किसी ने बीस हज़ार पे लिया है तो उसका ग्रो करके वो सत्तर हज़ार पे या चलें बहुत बुरा भी परफॉर्म करेगा तो सत्तर की बजाय साठ हो जाएगा या पचास हो जाएगा तो यानी कि वो ढाई गुना वो बढ़ रही है उसकी कीमत ऑन द अदर हैंड जब आप सेंटर ऑफ़ द सिटी में देखेंगे तो उसकी ग्रोथ कितनी हो रही है उसकी ग्रोथ सिक्सटी परसेंट हो रही है तो किसी ने अगर एक रुपया इन्वेस्ट कर दिया आज सबर्ब में तो वो उसका ढाई से तीन रुपये या साढ़े तीन रुपये बन जाएंगे चार साल बाद लेकिन किसी ने एक रुपया अभी जो लग सेंटर ऑफ द सिटी में इन्वेस्ट किया तो वो एक रुपये साठ पैसे उसके बनेंगे तो ये वेरिएंस है जो कि सबब और सेंटर ऑफ द सिटी में इन्वेस्टमेंट में फ़र्क पड़ता है